अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा ग्रेड थ्री का लेसन नंबर सिक्स है, तो आज हम चैप्टर वन नंबर्स बियॉन्ड 999 का लेसन सिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं बेटा? आज का लेसन पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे कि कैसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स बनाते हैं गिवन नंबर्स की मदद से, और सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स को और कैसे लिखते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स को। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एक वीडियो है, आपने इस वीडियो को गौर से सुनना और देखना है, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो देखते हैं। Hey, look, Caddy the kangaroo is going to teach us how to form four-digit numbers. Hello, kids. Today, I will teach you how to form numbers with a given set of digits. First, we will learn how to form the smallest and the greatest numbers. Let us take the digits 2, 4, 1, 8. To form the smallest number using these digits, we arrange them in the increasing order. So, we arrange the digits as 1, 2, 4, 8. Thus, we get the smallest number as 1,248. Now, to form the greatest number using these digits, we arrange them in the decreasing order. So, here we arrange the digits as 8, 4, 2, 1. Thus, we get the greatest number as 8,421. तो बेटा अभी तक आपने देखा कि कैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। इस एग्जांपल को हम दोबारा देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स डिजिट्स अवेलेबल थे, कौन कौन से? 2, 4, 1 एंड 8। हमने इनकी मदद से स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमने इनको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अच्छा, 2, 4, 1, 8 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। शाबाश, तो सबसे पहले क्या आ गया? 1। उसके बाद 2, 4 और 8 में से छोटा नंबर कौन सा है? 2। शाबाश, तो 2 आ गया। उसके बाद फिर बचा 4 और 8। 4 और 8 में से छोटा नंबर कौन सा है? 4। शाबाश, तो फिर आ गया यहाँ 4। और लास्ट में जो हमारे पास 8 बचा वो यहाँ आ गया। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 1,248। अब आते हैं बनाने की तरफ, ग्रेटेस्ट नंबर। तो बेटा देखें, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले इन नंबर्स को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। अच्छा, इसका मतलब है बड़े से छोटे की तरफ करना है। अच्छा, तो 2, 4, 1, 8 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। शाबाश, तो सबसे पहले क्या आ गया? 8। अच्छा, बाकी नंबर क्या बचे? 2, 4 एंड 1। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? शाबाश, 4। तो फिर क्या आ गया? 4। बाकी क्या बचा? 2 और 1। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 2। शाबाश, तो क्या आ गया यहाँ पे? 2। और लास्ट में जो 1 बचा वो एज इट इज। सो The greatest number is equal to 8,421. तो देखा आपने कैसे given numbers की मदद से हम smallest number और greatest number बनाते हैं। आइए और examples देखते हैं। Now let us solve one more example to understand it in a better way. Look at the digits 3, 0, 8, 4. Now, here to form the smallest number, we arrange it as 0, 3, 4, 8.
But this number is a three-digit number. Therefore, we interchange the positions of the first two digits, that is 0 and 3, to get the smallest number, that is 3048. So then we have the smallest number as 3048. Now, to form the greatest number, we arrange it as 8430. Thus, we get the greatest number as 8430. तो बेटा अभी आपने सेकंड एग्जांपल को देखा कि आपके पास नंबर्स थे 3, 0, 8 and 4. आपने इनसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपने इनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन आपने जीरो को स्टार्ट के बजाय सेकंड कर दिया. उसकी वजह ये कि हमें फोर डिजिट नंबर चाहिए था. इसको अभी हम और ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल से समझेंगे. और बिगेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपने इन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उसी तरह ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया. आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास यहाँ कुछ नंबर्स हैं. कौन से? 1, 8 and 7, 4. हमने क्या करना है? बिल्ड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दीज नंबर्स. तो आइए हम इनकी मदद से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं. सबसे पहले अगर इनकी मदद से हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएं, तो आपने मेरी मदद करनी है इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में. तो बताएं 1, 8, 7 और 4 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8. शाबाश. तो सबसे पहले क्या आया? 8. उसके बाद 1, 7 और 4 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7. वंडरफुल. तो फिर क्या आ गया यहाँ पे? 7. फिर क्या बचा पीछे? 1 and 4. 1 and 4 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4. शाबाश. तो यहाँ आ गया 4. और लास्ट में क्या बचा हमारे पास? 1. तो 1 आ गया यहाँ पे as it is. तो अब इन नंबर्स को अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर में लिखें तो क्या बनेगा? 8741. अच्छा, ये तो बहुत आसान काम था. आइए अब हम इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं. तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए इसको किस ऑर्डर में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में? शाबाश, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो आइए इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सबसे पहले 1874 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1. शाबाश. तो सबसे पहले क्या आ गया? 1. फिर 874 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4. वंडरफुल. तो फिर आ गया 4. फिर 8 और 7 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7. तो फिर आ गया 7. और लास्ट में हमारे पास क्या बचा? 8. तो वो एज इट इज. तो जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाया तो क्या बना? 1478. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं. अब आपने मेरी मदद करनी है नंबर्स बनाने में. तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या है? 5910. तो आइए इनकी मदद से सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं. तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मुझे इसको किसमें लिखने की जरूरत है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में? शाबाश. तो मुझे इसको किसमें लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में. आपके पास 2 मिनट है. आप इन नंबर्स को अपने पास कॉपी में डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर लें, फिर हम यहां देखते हैं कि ये कैसे होगा. हाँ जी बेटा, तो आपने इनको अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में. गुड. तो आइए अब देखते हैं और मैच करते हैं कि जो आपने अरेंज किया क्या वो वैसे ही है. तो
सबसे पहले 5910 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बताए मुझे? 9. शाबाश, तो सबसे पहले क्या आएगा? 9. अच्छा, फिर जो बचे 5, 1 और 0, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5. शाबाश, तो फिर आ गया 5. पीछे बचा 1 और 0, ये तो बड़ा आसान है. 1 और 0 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 1. जबरदस्त, तो फिर यहाँ आ गया 1 और लास्ट में 0 बचा वो एज इट इज. सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 9510. आप सबने भी ऐसे ही किया, जबरदस्त. आइए अगला देखते हैं कि इनकी मदद से स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा. तो आप इन सब को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें अपने पास कॉपी में. आपके पास 2 मिनट हैं. हाँ जी, तो बेटा आपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया होगा. आए हम देखते हैं कि आंसर क्या आता है. सबसे पहले 5, 9, 1 और 0 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? शाबाश, 0 है सबसे छोटा नंबर, तो सबसे पहले क्या आया? 0. फिर 5, 9 और 1 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताएं? शाबाश, 1. तो फिर आ गया हमारे पास 1. उसके बाद 5 और 9 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5. शाबाश, तो यहां आ गया 5 और एंड में बचा 9 वो एज इट इज. सो द नंबर बिकम 0159. बट ये 0 की तो वैल्यू नहीं हुई, इसका मतलब ये तो 3-डिजिट नंबर है और हम तो 4-डिजिट नंबर बना रहे हैं. तो फिर क्या करेंगे, 1 की जगह 0 से चेंज कर दें तो 1 स्टार्ट में आ जाएगा और 0 सेकंड पे आ जाएगा. So, the number becomes 1059. So, बेटा आपने देखा कैसे greatest and smallest number बनाते हैं using set of numbers. तो आइए अब देखते हैं कि even और odd numbers क्या होते हैं. सबसे पहले देखते हैं even numbers क्या होते हैं. So, all those numbers that can be put into pairs are called even numbers. वो तमाम नंबर जिनको हम पेयर्स की शक्ल में बना सकते हैं उनको क्या कहते हैं हम? इवन नंबर. मेरे साथ बोलिए, ऑल दोज नंबर्स दैट कैन बी पुट इनटू पेयर्स इज आर कॉल्ड इवन नंबर्स. वो तमाम नंबर जिन्हें हम पेयर्स की शक्ल में लिख सकते हैं आर कॉल्ड Even numbers. आइए इसकी एक example देखते हैं. Ali has 8 marbles. Ali के पास कितने marbles हैं? 8 marbles. Count करें मेरे साथ marbles को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So Ali has 8 marbles. Wonderful. आइए इनको पेयर्स में डिवाइड करते हैं, यानी दो दो मार्बल्स के ग्रुप बनाते हैं. तो अली अरेंज देम इन पेयर्स. तो फर्स्ट 2 मार्बल्स येलो और ब्लू यहाँ पे आ गए, फिर रेड और येलो का पेयर बना वो यहाँ आ गया, फिर ब्लू और रेड का पेयर बना वो ये आ गया, और फिर लास्ट में येलो और ब्लू का पेयर बनाया तो वो यहाँ आ गया. तो कितने पेयर्स बने? फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर. क्या कोई मार्बल अकेला बच गया है? नो, सारे मार्बल्स 2-2 के पेयर्स में हैं, कोई भी मार्बल एक्स्ट्रा नहीं बचा. सो ऑल द मार्बल्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 2s एंड नो मार्बल इज लेफ्ट. सो द नंबर 8 इज एन इवन नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन पेयर्स और इट कैन बी पुट इनटू पेयर्स. If there are different number of marbles, for example, अगर ये marbles ज़्यादा हो जाते या कम हो जाते तो फिर क्या होता? तो क्या तब भी ये pairs में arrange हो पाते? आइए अगली example में देखते हैं. So अब हम पढ़ने लगे odd numbers को.
all those numbers that cannot be put into pairs are called odd numbers. वो तमाम numbers जिनको pairs की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम कहते हैं odd numbers. मेरे साथ बोलिए, all those numbers that cannot be put into pairs are called odd numbers. वो तमाम number जिन्हें हम pairs की शक्ल में नहीं लिख सकते are called odd numbers. तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं. अब हम, अली हैज 9 मार्बल्स. याद है आपको पिछली एग्जाम्पल में अली के पास कितने मार्बल्स थे? 8 मार्बल्स. अब उसके पास मार्बल्स बढ़ गए, कितने हो गए? 9 मार्बल्स. आइए काउंट करिए मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो अली हैज 9 मार्बल्स. अली क्या करता है, इनको पेयर्स की फॉर्म में बनाना चाहता है. तो आइए, अली ने जब पेयर्स बनाए तो क्या हुआ? पहला पेयर बनेगा येलो और ब्लू मार्बल का, तो ये दोनों आ गए यहाँ. दूसरा पेयर बनेगा रेड और येलो मार्बल का, तो ये दोनों आ गए यहाँ. तीसरा पेयर बनेगा ब्लू और रेड मार्बल का, वो फिर आ गए यहाँ. फोर्थ पेयर बनेगा येलो और ब्लू मार्बल्स का, वो आ गए यहाँ. और लास्ट में एक मार्बल अकेला बच गया. इसके साथ बनाने के लिए कोई और मार्बल है ही नहीं, इसका पेयर नहीं बन सकता. सो 8 मार्बल्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 2s एंड 1 मार्बल इज लेफ्ट. 8 मार्बल्स 2 के ग्रुप में अरेंज हो गए. ये देखें, 2, 4, 6, 8, एक मार्बल अकेला बच गया. तो ऐसे नंबर्स जिनको हम पेयर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते और लिखते वक्त कोई चीज एक्स्ट्रा बच जाए तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स. सो 9 इज एन ऑड नंबर. आइए आगे चलते हैं, इस पे एक वीडियो देखते हैं. इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, उसके बाद हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. इवन एंड ऑड नंबर्स. लुक एट द स्क्रीन. देयर आर टू फ्रेंड्स, राज एंड करण. Raj has 8 pens, whereas Karan has 9 pencils. Raj starts grouping 8 pens in pairs, like this. Then Karan starts grouping 9 pencils in pairs. What do you notice there? There is an ungrouped pencil Karan has, whereas Raj's pens are grouped in perfect pairs. Here the number 8 is an even number and the number 9 is the odd number. That means even number is the number which can be grouped in pair. Or we can say that even numbers are divisible by 2. For example, 0, 2, 4, 6, 8 are even numbers. And odd numbers is the number which cannot be grouped in pair. Or we can say that odd numbers are not divisible by 2. For example, 1, 3, 5, 7 and 9 are odd numbers. तो बेटा, अभी आपने देखा कि कैसे, जैसे हमने पिछली एग्जांपल से समझा कि 8 जो था वो इवन नंबर था और 9 जो था ऑड नंबर था. इसी तरह और भी इवन और ऑड नंबर्स आपको बताए. आपको बताया कि 0, 2, 4, 6, 8 ये सब इवन नंबर्स हैं और 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं. आइए एक और वीडियो देखते हैं. Let's learn even and odd numbers with Ozzy the Owl. Good morning, everybody. Let us begin our lesson today by understanding what even numbers and odd numbers are. All numbers with the digits 0, 2, 4, 6 or 8 in the ones place are called even numbers. Let us see an example. Look at the number 12. Number 12 has 2 in the ones place. So it is an even number. Now let us
understand the meaning of odd numbers. All numbers with the digits 1, 3, 5, 7 or 9 in the ones place are called odd numbers. Look at the number 17. Number 17 has 7 in the ones place. So it is an odd number. Now let's try to find out some odd and even numbers from the given numbers. Look at the numbers 53, 71, 42, 34, 89. First, let us look at the number 53. Here, the number 3 is in the ones place. So, 53 is an odd number. Next is the number 71. Here, the number 1 is in the ones place. So, 71 is an odd number. Now, we have the number 42. Here, 2 is in the ones place. So, 42 is an even number. Let us see which is the next number. Here it is, 34. Here, the number 4 is in the ones place. So, 34 is an even number. And the last number is 89. Here, the number 9 is in the ones place. So, 89 is an odd number. Well done! We have found 2 even numbers and 3 odd numbers. Now, let us look at our school calendar and see if we can identify the even and odd numbers. All numbers with the digits 0, 2, 4, 6 or 8 in the ones place are called even numbers. Hey, we have correctly identified the even numbers. Now, let us see if we can identify the odd numbers. All numbers with the digits 1, 3, 5, 7 or 9 in the ones place are called odd numbers. Yay! We have successfully identified the odd numbers as well. Hope you had fun learning about the odd and even numbers. तो देखा बेटा आपने even और odd numbers को कैसे identify करते हैं और कैसे ढूंढते हैं, तो आपने calendars में से भी देखा. आपने घर में भी यही करना है कि आपने एक कैलेंडर लेना है और उसके अंदर इवन और ऑड नंबर्स को सर्कल कर लेना है. सो अपना कोई भी पुराना कैलेंडर लेके उस पे इसको सॉल्व कीजिएगा. आइए चलते हैं आगे. बेटा ये इवन ऑड नंबर्स का सॉन्ग है, इसके साथ साथ गाइए. She whispered, "For you, even numbers I'll define. They are 0, 2, 4, 6, and 8. Even numbers all share one tree. You can split them down the middle. If they make pairs, you solve the riddle. Because 1 plus 1 equals 2. And 2 plus 2 makes 4, true.
And 3 plus 3 equals 6. And 4 plus 4 makes 8 makes 6. Numbers big and small. Today we're gonna count them all. Some are even, some are odd. Won't you join our counting squad? We walked further into the forest when a rat squeaked. Please sit with me and be my guest, and I'll take the time to show you how to tell which numbers are odd. We looked at the fox and she gave a sly nod. The first 5 odd numbers in line are 1, 3, 5, 7, and 9. They are not divisible by 2, and for all odd numbers, the same is true. Between 1 and 10, there are 5 of them. Now I'll count the odd numbers again. 1, 3, 5, 7, and 9. They're every other number on the number line. Numbers big and small. Today we're gonna count them all. Some are even, some are odd. Won't you join our counting squad? And we were fed by a barn owl, perched outside his birdhouse on a dowel. He said, please visit with me just for a short time, and I'll discuss bigger, even, and odd numbers as I rhyme. If numbers are even or odd too, and the last digit holds the clue. So what about the number 72? It's even because it ends in 2. Or what about the number 93? That number's odd because, you see, the last digit's the odd number 3, which means it can't be split evenly. Numbers big and small, today we're gonna count them all. Some are even, some are odd. Won't you join our counting squad? We wandered further into the wilderness. An alligator appeared from the darkness. Guidelines, I've got a special number to teach you. For you must learn about 0 before your journey's through. 0 can't be split to make a new amount, but it's still even when you count. Because if 0's a number's final digit, that number can be evenly split. For instance, consider the number 10. Let's split it in half and we'll see then. It lands 2 5's and that's a pair. If it ends in 0, then even number's there. Numbers big and small, today we're gonna count them all. Some are even, some are odd. Won't you join our counting squad? Come on, join in! Numbers big and small, today we're gonna count them all. Yep, all of them. Some are even, some are odd. Won't you join our counting squad? Numbers big and small. Oh, think it's over. Too much fun. Visit numberrock.com. तो बेटा अभी आपने एक सॉन्ग सुना जो था नंबर्स के ऊपर कि कौन से नंबर्स इवन होते हैं कौन से नंबर ऑड्स होते हैं. तो लेट्स रीइंफोर्स आज हमने क्या पढ़ा. आज हमने पढ़ा कि कैसे हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर्स को बनाते हैं. फिर हमने पढ़ा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इवन और ऑड नंबर्स को और कैसे लिखते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स को. सो आज हमने ये सब कंप्लीट कर लिया. आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज 1E कंप्लीट सॉल्व करनी है चैप्टर 1 की. तो इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें. तो आज का लेसन आपको कैसा लगा. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करके फिर से देख सकते हैं. तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे. आज हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया. तो नेक्स्ट लेसन पे मिलते हैं. तब तक आप घर में रहें, सेफ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज.